हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दी ब्लॉग्स आर सो so गाइस आज मैं आपको अपनी किचन दिखा रही हूँ किचन में मतलब पूरी तरीके से दीमुक लग गई है तो उसकी जितनी भी नीचे अलमारियाँ थी शेल्फ थे वो सब हमें तोड़ने पड़े और तोड़ के सब बाहर निकाल दिए ये सब काम हमने रात में किया था क्योंकि अगले दिन थी मतलब हमारे घर में पूजा तो उससे पहले हमें सब किचन को सफाई करनी थी किचन में तो रात में ही हमने सारा काम करके मतलब सब नीचे के शेल्फ जितने भी थे सब तोड़ के बाहर फेंक दिए थे मतलब कूड़ेदान में और उसके बाद अगले दिन मैं मतलब सुबह उठ गई थी और रुद्धि भी देखो साथ में उठ गई थी मेरे साथ में और रुद्धि के पापा हैं वो सो रहे हैं रुदी और सुबह के छः बज रहे थे तो उसके बाद फिर आज पूजा की तैयारी करनी थी हमें तो इसलिए मतलब मैं जल्दी उठ के और सब काम ख़त्म कर लिया था मैंने उसके बाद मैं नहा धो के हो गई थी तैयार तो मैंने पहले बाल धोए थे तो बालों में मैंने पहले सीरम लगाया तो मैं लॉरियल का सीरम लगाती हूँ अपने बालों में और उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को कॉम किया और कॉम करने के बाद अपना थोड़ा बहुत जो मेकअप वगैरह मैं करती हूँ डेली डेली का वो किया मैंने जो भी मैं अपनी क्रीम लगाती हूँ मैं एलोवेरा की क्रीम लगाती हूँ एलो मॉइस्चराइज़र और उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है चाहे आप बाहर जाएँ या घर में रहें कैसे भी पर ज़रूरी काफ़ी होती है तो मैंने सनस्क्रीन लगा ली और सनस्क्रीन जो है मेरी वो आस्था वैरी की है और काफ़ी अच्छी है मतलब इसमें फाउंडेशन भी है और सनस्क्रीन भी है दोनों मतलब दोनों का काम कर देती है एक एक जैसे एक ही उसमें और उसके बाद मतलब अपना सनस्क्रीन लगाने के बाद मैंने अपना सिंदूर लगाया था तो सिंदूर पहले मैं लिक्विड वाला लगा लेती हूँ और इसके ऊपर से सूखा सिंदूर लगा लेती हूँ ताकि जो सूखा सिंदूर है वो गर्मियों में मतलब बह जाता है तो ऐसे लगाने से बहता नहीं है आप पहले लिक्विड वाला सिंदूर लगा लें उसके ऊपर से फिर सूखा वाला लगा लें तो वो एकदम से मतलब क्या बोलते हैं परमानेंट हो जाता है वो छुटता नहीं है फिर वो तो जब आप छुटाएंगे तभी छुटेगा मतलब अपने आप से वो नहीं बहके नहीं आता नीचे फिर वो उसके बाद मैंने अपनी मीऑन की लिपस्टिक लगाई थी और लिपस्टिक लगाने के बाद मतलब ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी फिर मुझे बिंदी लगानी थी और अपना मंगल सूत्र पहना था बाकी सब कुछ एकदम रेडी थी उसके बाद मुझे करनी थी पूजा के खाने की तैयारी और मतलब आज काफ़ी सारा खाना बनेगा तो आपको मैं चलो बताऊंगी अभी थोड़ी देर में किचन में चलेंगे तो आपको दिखाऊंगी मैं कि मैंने आज क्या क्या बनाया है खाने में और मैं हो गई हूँ रेडी ऑलमोस्ट और बार बार रेदी बीच में आ रही थी वो परेशान कर रही थी मुझे तो मुझे उसे बार बार हटाना पड़ रहा था बार बार मतलब उसको बिठाना पड़ रहा था पीछे बेड पर बिठाना पड़ रहा था उसे और उसके बाद देखिए मैं हो गई हूँ तैयार और ये मैंने अपना मंगलसूत्र भी पहन लिया फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में मम्मी जी ने थोड़ा बहुत मतलब ऑलमोस्ट काम कर दिया था छोले रख दिए थे उबलने के लिए और जो भी मतलब थोड़ी बहुत तैयारी होती है वो उन्होंने कर दी थी बर्तन वगैरह धो दिए थे उन्होंने तो मैंने आके ही मतलब पहले खीर बनाई क्योंकि पूजा का खाना नहाने के बाद ही बनता है तो फिर मैंने खीर के लिए दूध रख दिया था गैस पे और खीर रख दी थी बनने के लिए फिर उसके बाद हम करने थे जो पूजा के जो पुएँ बनेंगे आज की जो पूजा है वो कुए से होएगी जो आटे के पुएँ या कहीं कहीं गुलगुले भी बोलते हैं उन्हें तो हमारे यहाँ पुएँ बोलते हैं मीठे पुएँ तो वो मम्मी जी उसका मतलब पानी वगैरह घोर के देनी थी मुझे तो चीनी मतलब कितना पड़ेगा उसमें सब कुछ और एक तरफ मैंने आज ऊर्ज की दाल की कचौड़ी भी बनानी थी हमें तो मैंने और मतलब दाल को फ्राई करने के लिए कढ़ाई निकाल ली थी और उसमें डालने के लिए सारा सामान जैसे कि हींग जीरा और सौंफ जो भी मसाले उसमें पड़ते हैं वो सब और थोड़ी सी हल्दी धनिया पाउडर और नमक ये सब डाल के मतलब अच्छे से उसको हम सरसों का तेल में थोड़ा सा डाल के और फ्राई कर लेंगे उसको अच्छे तरीके से और यहाँ पे मम्मी जी वो आटा घोर रही थी उसका कुएँ का तो क्योंकि वो घोर के रख देंगी तो फिर में आसानी होगी बनाने में तो थोड़ा बहुत टाइम उसको रेस्ट चाहिए होता है कुएँ के आटे को तो थोड़ी देर उसको मतलब इसमें पहले आटा डालेंगी और आटे में फिर चीनी का घोल और फिर उसको फेंट के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगी उसके बाद फिर मैं पुएँ बना दूँगी तो पहले मैं दाल अकोड़ रही हूँ दाल को फ्राई कर ले रही हूँ पहले तो दाल को फ्राई करने के लिए मैंने सब सामान इकट्ठा इकट्ठा कर लिया है और अब मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और हमारे घर में जो पूजा हो रही है वो आपको मैं बता देती हूँ तो आज है गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ी पूर्णिमा तो आज आषाढ़ी के दिन हमारे यहाँ मतलब देवी देवताओं की पूजा होती है जो भी हमारे यहाँ देवी देवता हैं ईष्ट देवता है और बाकी जो भगवान हैं उन सबकी पूजा होती है तो उनकी पूजा जो होती है खीर पूरी से होती है और पुएँ से होती है तो हमने जो था उसकी तैयारी कर रही थी मैं तो पुएँ वगैरह के जो आटा था वो आपने देखा था कि अभी फेट के हमने रख दिया है थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं उसको उससे पहले मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ तो जो खीर बननी थी तो उसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था ताकि इलायची खुशबू अच्छे से आ जाए उसमें और उसके बाद एक साथ ही मतलब मैं छोले की सब्जी भी बना रही थी कि खाने के लिए सबको तो आज के खाने में मैंने पूड़ी कचौड़ी दाल की और छोले की सब्ज़ी और घोया की सब्ज़ी और खीर ये सब चीज़ बनाया था आज खाने में पर पहले पूजा हो जाएगी उसके बाद सब लोग खाना खाएंगे तो उसके लिए फिर मैंने छोले की मतलब छौपने की तैयारी करी थी छोले को तो उसमें कढ़ाई में तेल डाला और आज हमारे घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आज पूजा है घर में तो आज टमाटर का ही मतलब टमाटर और हरी मिर्च का ही पेस्ट बना लिया था मैंने आज और उसी में मतलब सारे मसाले डाल दिए थे नमक हल्दी मिर्च और चना मसाला जो भी सब मसाले डालने थे वो सब मैंने डाल दिए थे इसमें और उसके बाद इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें छोले डाल दिए थे और फिर और मतलब सब्जी भी बनी थी एक साइड खीर भी बननी थी और एक ही तरफ मैंने कुकर में गुईया रख दी थी उबलने के लिए जो मुझे बनानी थी अरबी की सब्ज़ी तो उसको भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था एक साइड में फिर मैं सब मसाले डाल के और वो मतलब सब्ज़ी पकने के लिए रख दी फिर थोड़ी देर में हमारी जो सब्जी है तैयार हो गई थी। सब्जी बनने के बाद मैं चली गई थी रिद्धि बेबी फिर मैं किचन में दोबारा आ गई थी सब्जी मतलब बन चुकी थी तो उसमें धनिया पत्ते डाल दी थी मैंने उसमें और सब्ज़ी बनने के बाद फिर मतलब आटा वगैरह मारा था मैंने पूरी का और कचौड़ी के लिए तो सब्जी मतलब सब काम हो गए थे ऑलमोस्ट खीर भी बन चुकी थी और एक साइड दूध भी रख दिया था उबलने के लिए और पहले लली का मतलब रिद्धि का दूध रख दिया था उबलने के लिए जो रिद्धि का आता है गया का दूध और हम सब लोग मतलब वो भैंस का दूध आता है वो तो सबको अलग अलग उबालना पड़ता है तो फिर मैंने भैंस का दूध रख दिया उबलने के लिए उसके बाद फिर मैंने मारा था आटा और आटा मारने के बाद फिर जो पुएँ की तैयारी थी फिर मुझे वो भी करनी थी तो मैंने पहले आटा निकाल लिया था एक साइड मतलब पूड़ी का मुझे थोड़ा सा ही आटा मारना था तो थोड़ा सा आटा मारा मैंने पूड़ी के लिए और कचौड़ी का थोड़ा ज़्यादा मारना था तो कचौड़ी का थोड़ा ज़्यादा मारा है मैंने तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट डो बना लिया मैंने और पूड़ी के लिए दोनों आटे मतलब अच्छे से मतलब मार के रख दिए थे साइड में क्योंकि बाद में खाना बनाएंगे तो मतलब दिक्कत नहीं होगी सब चीज़ तैयार होती है तो आराम से बन जाता है सब तैयारी पहले से करके रख देते हैं तो सब चीज़ आराम से मतलब बाद में काम हो जाते हैं तो फिर रख दिया था मैंने ये भी दोनों चीज़ अच्छे से एकदम सही करके आटा बना के रख दिया था आटा माड़ के और उसके बाद फिर मैंने स्लिप जो था किचन की स्लिप सब साफ़ कर दी थी फिर मैंने खीर में चीनी डाली थी और खीर भी बननी थी तो उसको भी देखना है तो खीर में चीनी डाल दी थी मैंने और चीनी डालने के बाद थोड़ी देर उसको हम पकाएंगे फिर उसकी भी मतलब गैस ऑफ कर दूंगी मैं खीर भी ऑलमोस्ट बन चुकी थी फिर मैंने जो था पुए बनाने की तैयारी करी थी तो कढ़ाई ली मैंने कढ़ाई में डाला देसी घी और देसी घी से मतलब उसी में पूरे पुए बनेंगे आज जो पूजा होगी तो फिर मैंने धीरे धीरे मतलब एक एक पर के चम्मच से पूरे डाले और वो चम्मच से ही सब बना लिए थे मैंने क्योंकि चम्मच से आसानी रहती है डालने में और हाथ से बनाते हैं तो हाथ जलने का डर भी रहता है तो फिर ऐसे ही मतलब चम्मच से डाल डाल के बनाए थे मैंने और पहले इसको थोड़ा सा फेंट लिया था अच्छे तरीके से फिर मैंने एक एक करके चम्मच से डाले थे पुएँ आप देख सकते हैं पूरे सब बन के तैयार हो गए हैं फिर रिद्धि आ थी मंदिर में और क्या कर रही थी आप देख सकते हैं उसको तो यहाँ मम्मी जी ने पूजा शुरू कर दी थी अग्यारह करके सभी देवी देवताओं को जिनकी पूजा कर रही थी उनको भोग लगाया भूए का और घी का और उसके बाद उन्होंने क्या करके सभी दीवता, देवी देवताओं देवी देवताओं की पूजा करी थी और उसके बाद फिर पूजा होने के बाद सबको प्रसाद बांट दिया था तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करके जाएं और आज के लिए बस इतना ही सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो बाय